ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र के प्रभारी एच के पाटिल ने पत्र लिखा था। 24 दिनों के बाद वह पत्र समाज माध्यम पर वायरल हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट करते हुए कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद दत्तात्रेय ने पत्र परिषद में जानकारी दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र के प्रभारी एच के पाटिल इन्हें लिखा पत्र 24 दिनों के बाद समाज माध्यम पर वायरल हो रहा है। पक्ष के संदर्भ में भूमिका लेने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक दूसरे से पत्र व्यवहार करती है और पत्र जिसके नाम का है वही पत्र प्रकाशित कर सकता है। जिसका नाम पत्र में नहीं है उसने पत्र प्रकाशित करना पक्ष शिस्त का भंग है। पक्ष शिस्त का भंग होने से लोगों में संभ्रम फैला है और इसी संभ्रम को दूर करने के लिए पत्र परिषद ली गई। पत्र परिषद में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सतीश बारजुरकर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष दिनेश सोखारे, पूर्व नगराध्यक्ष घनश्याम मूलचंदानी, कांग्रेस नेता डॉक्टर विश्वास झाड़े, पूर्व कांग्रेस नेता विनोद अहिरकर इनकी उपस्थिति थी। ऐसी जानकारी कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद दत्तात्रेय ने पत्र परिषद में दी। प्रदेश कांग्रेस कमिटीची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे। 29 तारखेचं पत्र आहे आणि ते स्पेसिफिक प्रदेशाध्यक्षांना आणि आमचे इन्चार्ज यांना मार्क केलेलं पत्र आहे। ही पक्षांतर्गत बाब असते। एखाद्या पक्षाच्या संदर्भातल्या भूमिका घेण्यासाठी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी किंवा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी एकमेकांमध्ये पत्रव्यवहार करत असते, पण तो पत्रव्यवहार हा कॉन्फिडेन्शियल असतो। ज्याच्या नावाने पत्र असेल त्यांनीच ते पत्र प्रकाशित करायचं असते, पण ज्याचं नावच त्या पत्रामध्ये मार्क केलेलं नाही त्यांनी हे पत्र प्रकाशित करणं म्हणजे पक्षशिस्तीचा भंग आहे आणि पक्ष याची निश्चितपणे दखल घेणार आहे। कारण पक्षशिस्तीचा भंग झाला, ही पक्षशिस्तीचा भंग झाल्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम पसरला, तर ह्या संभ्रमाच्या गोष्टी क्लिअर व्हाव्या म्हणून आजची ही पत्रकार परिषद आहे आणि या निमित्तानं मी तुम्हाला हे सगळं व्यवस्थितपणे सांगितलेलं आहे। प्रदेश काँग्रेसने दिलं नाही, ना नाना पटोले साहेबांनी प्रेसला दिलं, ना एच के पाटील साहेबांनी प्रेसला दिलं, त्यामुळे हे पत्र त्यांच्याशिवाय इतर कोण्या तिसऱ्या व्यक्तीने देणं म्हणजे ती चोरीचाच भाग आहे।